हेलो साथियों साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए साथियों, आज बात करते हैं जो सफाई कर्मचारी है उनको भाई 2 साल कंप्लीट होने के बाद कितनी तनख्वाह मिलती है, यानी जो आपके खाते में तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी, वो पहली सैलरी कितनी आएगी। तो मैं आपको ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये अभी का है, करंट का है, ये देखिए जनवरी 2024 का ही है अभी का, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स इसमें देखेंगे आपको क्या क्या कटौतियां होंगी, ठीक है। बेसिक पे आपको कितनी मिलने वाली है और डी आपको कितना मिलने वाला है। तो ये डिपार्टमेंट है, ये देखिए राजस्थान का ही डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे टीवी नंबर जनरेट होते हैं और ये बिल नंबर है इसके, ठीक है। अब देखो ये पे स्केल क्या है, लेवल वन, ठीक है, L1 है, यानी कि L1 में आप सेलेक्टेड होंगे तो L1 की सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे डेजिग्नेशन देख लो, ये फोर्थ ग्रेड है, ठीक है, इसी के समान ये सफाई कर्मचारी की सैलरी रहेगी। यहाँ पे GPF नंबर आते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी नंबर आते हैं, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये प्राण नंबर है और भाई ये पैन नंबर है। अब देखो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी 17,700 रुपये। डीए, तो ये डीए है 46% की दर से, अभी डीए हो गया 5%, यानी अभी इसमें 4% डीए आप और बढ़ा लो, यानी 4% की बात करें तो तकरीबन 1,000 रुपये और बढ़ा लो आप। CCA, ये 620 रुपये CCA मिलता है यहाँ पे, ठीक है। CCA यानी कि सिटी अलाउंस, यदि आपकी ड्यूटी है जयपुर में है, मान लो जोधपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है या फिर कोटा में है, वहां पर आपको सिटी अलाउंस 620 रुपये मिलेगा। और भाई हाउस रेंट अलाउंस है ये 18% की दर से, ठीक है। और वही जो ग्रामीण एरिया वहां पे एचआरए मिलता है आपको 9% की दर से। अब देखो कटौती क्या क्या होती है भाई, किसमें कितना पैसा कटता है। तो जीपीएफ में तो आपका 1450 रुपये कटेगा, फिक्स है। आरजीएचएस में आपका 265 रुपये कटेगा, ठीक है। और आपकी 1 साल बाद, यानी जब आपका फिक्सेशन हो जाता है उसके 1 साल बाद आपकी एसआई में कटौती और स्टार्ट हो जाती है, स्टेट इंश्योरेंस में, ठीक है, 800 रुपये कटता है। LIC आपके इच्छुक, आप इच्छुक है कि भाई LIC में आप कितना कटवाना चाहते हैं वो आपकी अलग है। अब देखिए भाई आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बड़ेगी, ये 29,648 रुपये, ठीक है। और डिडक्शन होगा आपका ये 2,183 रुपये, तो नेट आपकी सैलरी 27,465 बनेगी, ठीक है। अब मान लो भाई आपकी ज्वाइनिंग आज होती है, तो आज से 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, 2 साल बाद जब आपकी सैलरी आएगी तब आप उसमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये और बढ़ा लो, यानी तब आपकी सैलरी 35,000 रुपये हो जाएगी। तो ये है साथ ही ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको तुरंत मिल सके।